पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह है जहां पृथ्वी से ज्यादा अच्छी जीवन हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 5000 एक्सोप्लेनेट का पता लग पाया है। अब एक्सोप्लेनेट क्या होता है? तो एक्सोप्लेनेट वह प्लेनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं और ज्यादातर ये किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है। इन एक्सोप्लेनेट में से 24 प्लेनेट ऐसे हैं जो सुपर हैबिटेबल है, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण है। उसमें से पहला ग्रह है KOI 5715.01। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि यहां जीवन मुमकिन है और पृथ्वी से ज्यादा अच्छा हैबिटेबल क्लाइमेट है। यह साइज में पृथ्वी से दुगना है, लेकिन ये पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यहाँ आप में से कई लोग यह सोचेंगे कि इतनी दूर जाना असंभव है। आपको बता दे, वॉर्म होल पर काम चल रहा है। वॉर्म होल हमारे ब्रह्मांड में दो दूर के पॉइंट्स के बीच एक सुरंग की तरह है, जो एक पॉइंट से दूसरे तक ट्रेवल टाइम को कम कर देता है। अगर भविष्य में यह सफल हुआ तो यहाँ जाने के बारे में सोचा। आप जानते हैं, जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे। उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी पर पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया। और टाइम के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और ज्वालामुखी के गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडा हुआ, तब बादलों में जमा वाष्प पानी पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरने लगा। यह बारिश दिन या दो दिन नहीं, बल्कि यह घंघोर बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। यही बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ। और अगर आप भी इन सब चीजों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमसे जुड़े जरूर।